सर, शहर में लगातार पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं, आज फिर 3 पॉजिटिव निकले हैं, इसमें पुलिस व्यवस्था क्या बढ़ाई गई है, क्या किया गया नया प्रयास? देखिए, जैसा कि ये स्पष्ट है कि ये टोटल जो है 6 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और बेसिकली अभी जो पॉजिटिव प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं वो जो कंटेनमेंट जोन है उसमें से जो लोगों की सैंपलिंग की जा रही है, जब उसकी परीक्षण रिपोर्ट आ रहे हैं तो उसके आधार पर जिस प्रकार के जो है प्रकरणों में वृद्धि हुई है, तो नेचुरली जब अपन ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया ऐसे जोनों का और उसमें अपन सैंपलिंग करा रहे हैं तो इस कारण से वृद्धि परिलक्षित हो रही है। और बाकी लॉकडाउन को पूरी तरीके से शहर में लागू कराया और कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा मतलब जो है व्यवस्था रखी है कि चारों तरफ से किसी भी प्रकार से प्रवेश, विशेषकर न्यूक्लियस को जहां ऐसा पॉइंट है जहां संक्रमित व्यक्ति रहा है वहां ना हो पाए, और कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को वहां से बिल्कुल पृथक रखा जाए। तो कुल मिला के इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए जो हम लोगों ने जो 6 कंटेनमेंट जोन है उसमें 22 पॉइंट क्रिएट किए हैं और 22 पॉइंटों में हम राउंड द क्लॉक बल लगा रहे हैं। टोटल जो है इसमें हमने जो 6 कंटेनमेंट जोन है टोटल इसमें लगभग 86 आरक्षक हमारे लगे हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, नगर पालिका विभाग के कर्मचारी हैं, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी हैं, और इसके अलावा जो वार्ड स्तर पर भी जो व्यवस्था है वहाँ पर जो है प्रोवाइड की है। तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इन लोगों के जो है सम्मिलित प्रयास है इसमें, और ये प्रयास जो अथक प्रयास है, और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर लेवल जो है जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये सारे जो हमारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं ये भी जो है निगेटिव आएंगी, क्योंकि अभी हमारे ये जो पॉजिटिव जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कंटेनमेंट जोन से ही आ रहे हैं। इसका मतलब हम उनको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, नेचुरली आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और सैम्पलिंग जब होगी तो उसमें स्वाभाविक है मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आना। तो इस प्रकार से लगातार पुलिस और जिला प्रशासन सक्रिय है और आशा करते हैं कि हम जल्दी ही कोरोना से नगर मुक्त कर लेंगे, नगर को मुक्त।